हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्लियर यूपी डीएलएड की। जैसा कि मैंने आपको 23 तारीख को बताया था कि अब की डेट एक्सटेंड होगी, ऑफिशियली वेबसाइट पे ये चीज़ लिखा हुआ था, मैंने आपको अपडेट किया था, है ना। लेकिन अभी क्या है ना कि जो आपके कमेंट्स इतना ज़्यादा आ रहे हैं कि 2023 में अब कितना कट ऑफ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब से बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बीएड को बाहर किया गया है, तब से बीटीसी में एडमिशन ज़्यादा होने लगे, इस वजह से कट ऑफ अब की बार हाई जाएगी। नॉर्मली कट ऑफ आपकी 230 प्लस जाती थी जनरल की, फिर 235 जनरल की जाती थी, 30 आपकी ओबीसी की जाती थी, और 200 प्लस आपकी एससी एसटी में हो जाता था, या उससे कम में भी हो जाता था, 190-195 में हो जाता था। लेकिन अभी कट ऑफ यहाँ पे हाई जाएगी। कितना जाएगी, क्या चीज़ है, कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला, एक्चुअल में आपकी मेरिट क्या होनी चाहिए, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे कमेंट्स जो आया ना, एक बार कमेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कमेंट्स आ रहे हैं। देखिए कमेंट्स की पूरी भर भर की लिस्ट है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स ही दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे दीपक है कोई, इन्होंने पूछा है कि 182% है क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 180 मार्क्स है ओवरऑल क्या मेरा मिल जाएगा, क्या 214 नंबर ईवीएस क्या मिल जाएगा। एक चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, कमेंट आप लोग करिए, मैं रिप्लाई करने का ज़्यादा प्रयास करता हूँ, रिप्लाई करता भी हूँ, आप लोग जानते हैं अच्छे से, अगर आप रियली सब्सक्राइबर हैं, अगर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि शिक्षक भर्ती या शिक्षा रिलेटेड कोई भी तैयारी इस चैनल पर करवाई जाती है, अपडेट भी दी जाती है, ठीक है। देखिए एक चीज़ बताएं, जब आप मेरिट बनाएं तो उसमें सबसे पहले आप 10वीं 12वीं और फिर यहाँ पर आपका जो ग्रेजुएशन जिसको यूजी कहते हैं उसके परसेंटेज को जोड़े, फिर मेरिट कितना आता वो हमें कमेंट करें। साथ ही साथ अपनी कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी, आप ईवीएस से आते हो, ओबीसी से हो, एससी एसटी जनरल किस से आते हो, ये चीज़ भी कमेंट करा करिए, ठीक है, तभी मैं आपको बता पाऊंगा आपकी कैटेगरी कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए 214 है यहाँ पे, 206 है, 236 है जनरल कैटेगरी इनका, है ना। यहाँ पे देखिए 10th में 77 है, 12th में 64 है, ग्रेजुएशन 51 है, ये आप ओवरऑल टोटल करके बताइए ना, रोहित गुप्ता है यहाँ पे, टोटल करके यहाँ पे बताया करिए ना, और जनरल अपनी कैटेगरी भी लिख दिया करिए। आप लोग कैटेगरी नहीं लिखते हो तो मैं कैसे बता दूँ आपकी कितना कट ऑफ जाएगी, आपका होगा कि नहीं होगा, है ना। देखिए मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है सर, तो अभी देखिए डेट ही आपकी चल रही है ना, कौन है यहाँ पे, ये है पुरखी पायल, पुरखी पायल। देखिए आप क्या है ना कि मेरिट लिस्ट अभी अभी नहीं आएगी, मेरिट लिस्ट आपके जो शेड्यूल्स मैं आपको दिखाने वाले हैं, ऑफिशियल नोटिस आने वाली है, वो दिखाने वाले, ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ, फिर मेरिट लिस्ट की बात करेंगे। देखिए 190 है इनका, है ना। कमेंट देखिए, आप कमेंट देखिए, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या चीज़ कैसे है ना। देखिए इनका कितना है कि काउंसलिंग कब तक होगी, प्लीज़ रिप्लाई सर। देखिए काउंसलिंग में बताते हैं, साथ ही साथ देखिए फॉर्म 2 जून 2023 को कर दिया था, और 212 नंबर है इनके, इनके 10th में इतना इतना इतना। देखिए देख रहे ग्रेजुएशन में नंबर कम है तो क्या हो जाएगा, देखिए ग्रेजुएशन नंबर क्या है, देखिए बार बार कह रहा हूँ आप 10th 12th और यूजी ग्रेजुएशन जिसको कहते हैं, बीए बीएससी बीकॉम जो भी किए तीनों ऐड करके बताइए, और अपनी कास्ट कैटेगरी भी बताइए, है ना। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो मेरिट की मैं बात करता हूँ, नहीं पहले डेट आपको मैं ऑफिशियल जो नोटिस आई है उसको बता देता हूँ, है ना। देखिए नोटिस क्या है कि आपकी जो डेट्स थी ना, देखिए 29 मई से फॉर्म भरे जा रहे हैं, कितने ज़्यादा एक्सटेंड हुए फॉर्म, 29 मई से हुए, फिर जून तक गए, फिर जुलाई तक गए, और अब अगस्त 22 तक हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि जब 11 अगस्त को यहाँ पे याचिका मतलब रिजल्ट है सुप्रीम कोर्ट का, तो जब लोगों पता चला यहाँ पे सरकार को, तो उसने क्या किया कि यहाँ पे जो बीटीसी वाले हैं उन्होंने फॉर्म को एक्सटेंड कर दिया कि लोग अब बीटीसी में आएंगे, और काफ़ी अच्छी बात है, जो लोग बीटीसी करना भी चाहे इस फैसले के बाद वो कर सकते हैं, डेट बढ़ाने यहाँ पे अच्छा डिसीजन था। लेकिन देखिए आप कितनी बार बढ़ाया यहाँ पे डेट, आपकी 29 मई से बढ़ा था, लेकिन फाइनली जो आपकी नोटिस आई हुई है, नोटिस आपको कब आ गई थी, देखिए अभी जल्दी ये कल की नोटिस है यहाँ पे, देखिएगा क्या है कि 31 अगस्त तक अब आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है वो 31 अगस्त हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो जमा करने की तिथि 2 सितंबर तक आपको समय मिलेगा, प्रिंटआउट आपके 5 सितंबर, ठीक है। आगे देखिएगा ऑनलाइन माध्यम से अतिरिक्त किसी माध्यम से स्वीकार विचार ऑनलाइन ही करना है, उसके अलावा जो है यहाँ पे आपका नहीं लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। चलिएगा ये भैया नोटिस हो गए, 31 तक फॉर्म भर गए, अब आप लोग जाइए चलाइए, वेबसाइट भी अच्छी खासी चल रही है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे कॉमेंट पे, जो कॉमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, कॉमेंट पूछा जा रहा है, देखिए 182% के लिए क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। देखिए पहले मैंने आपको कहा 230 या 35 प्लस जो है जनरल जाता था, ठीक है, और यहाँ पे आपके 225 से लेके जो है 230 तक जो है आपकी कट ऑफ जाती थी ओबीसी के, ठीक है। एसएसटी की 200 प्लस पे ही हो जाता था, है ना, और कभी कभी क्या है ना कि 195 पे हो जाता था, ये आपकी कुल मिला के मेरिट चलती थी। लेकिन अभी फॉर्म इतना ज़्यादा पड़ चुके हैं, 2.5 लाख 2 लाख समथिंग 70,000 की 90,000 सीट्स हैं, और जो फॉर्म भरे हैं ना आपके 3.8 लाख फॉर्म भर चुके हैं, अभी तक फॉर्म भर चुके हैं, मतलब सीट से ज़्यादा फॉर्म भर चुके हैं, है ना। ये आपको 2023 की मैं अपडेट बता रहा हूँ, जिसकी वीडियो मैंने चैनल पर आपको दे दिया था, इसलिए कहता हूँ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, आपको डेली अपडेट्स के माध्यम से बताता रहता हूँ क्या चल रहा है ना। देखिए 3.8 लाख है और अभी भी फॉर्म आवेदन बढ़ गए हैं, अभी भी लमसम 1 लाख के आसपास फॉर्म भरेंगे 3 से 4 दिन के अंदर। सर्वर जो था इनका डाउन हो गया, फंडा यही था जो सर्वर डाउन हुआ है, कारण ही यही था, है ना। सर्वर इसीलिए जो यहाँ पे डाउन हुआ था कि
आप लोग जो है ज़्यादा फॉर्म भर रहे थे और वो क्रास करिए वेबसाइट, ठीक है। देखिए 3.8 यहाँ पे जो है आपके अभी जो है फॉर्म यहाँ पे भरे जा चुके हैं, तो कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। कट ऑफ कितनी जाएगी अब देखिए बता दें आपको, 240 से लेके 245 तक आपकी कट ऑफ चाहिए, है ना। 240 से लेके 245 कट ऑफ चाहिएगी जनरल वालों के लिए। ओबीसी के लिए भी अगर आप 235 प्लस हो तो वाह वाह अच्छी बात है। और एक चीज़ बता दूं, अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है ना, तो अगर आप मान लीजिए ओबीसी से हो, आपकी 225 भी अगर है तो भी काउंसलिंग आप करवाइए, है ना, दो भी काउंसलिंग करिए। 220 में एक्चुअल कह रहा हूँ, 220 अगर आपका है तब भी फॉर्म भरिए, क्योंकि यहाँ पर कई लोग है ना सीट छोड़ देते हैं, और कई बार क्या है कि फर्स्ट राउंड में ना मिलकर सेकेंड राउंड में सीट्स खाली होती मिल जाती है ना। तो अगर आपके 220 हैं उससे प्लस में, देखिए फर्स्ट राउंड में जो आपके चांसेस है ना 235 से ही मिलेंगे, उसके ऊपर ही मिलेंगे, लेकिन अब सेकंड राउंड में मैं कह रहा हूँ कि 220 या 25 अगर आपके हैं तो आप डाल सकते हो, पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट मिलने की। देखिए जो लिस्ट है गवर्नमेंट लिस्ट आ गई है, प्राइवेट लिस्ट भी जो है पूरी लिस्ट मैंने डाल रखा है टेलीग्राम ग्रुप में भी, और वीडियो भी मैंने चैनल पर बनाई है, तो आप जाइए देखिए लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, क्या चीज़ है, सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए कट ऑफ मैंने आपको बता दिया इनका, देखिए 214 है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, इनको मिलने के चांसेस है क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहे हैं, कट ऑफ थोड़ा सा लो जाती है ऐसा हम लोग कह सकते हैं ना, डाइट कॉलेज में सरकारी कॉलेज होता है। अब देखिए सर मेरा 180 मार्क्स है ओवरऑल, क्या मेरा डीएलएड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, प्राइवेट में आपका कुछ भी नंबर हो उससे मतलब नहीं है, प्राइवेट में हो जाता है, ठीक है। अब आप टॉप क्लास के प्राइवेट पकड़ोगे तो नंबर आपका अच्छा होना चाहिए, और 180 मार्क्स अगर आपका है तो नंबर अच्छा है आपका, प्राइवेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए प्राइवेट यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखिए फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, 208 है सर ओबीसी हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे फंस गया ना, 208 है यहाँ पे इनका। अब देखिए 208 क्या है ना, आपकी कट ऑफ हाई जा रहा है ना, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फॉर्म ना भरिए, फॉर्म आप ज़रूर भरिए, काउंसलिंग आप ज़रूर करिए, ठीक है। देखो 236 जनरल, हाँ चांसेस हैं आपके, ये कौन है दीवाने महादेव की, यहाँ पे 236 जो है जनरल इनके जो है यहाँ पे मिल सकते हैं, कुछ चांसेस आन के हाई हो जाते हैं, नंबर इनका अच्छा है, ठीक है। तो मेरिट कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, तो आप लोग कॉमेंट करिएगा 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की मेरिट कितनी है, ओवरऑल टोटल करके बताइए, ऐसे टुकड़ों में मत भेजिए, है ना, तो आप बताइए, ठीक है। अब जैसे रोहित गुप्ता का देख लेते हैं, यहाँ पे 77 है और यहाँ पे 51 है, ठीक है। 77 51 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो गया और 128 हो गया, ठीक है। और इधर 8 अगर 64 हम लोग जोड़ लेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, 12 6 18 19 192 आ रहा है, और कैटेगरी भाई साहब ने नहीं बताया, कैटेगरी नहीं बताया, 192 आ रहा है, तो ये तो अगर ईवीएस हैं एससीएसटी हैं तो इनका तो चांसेस बनता है, लेकिन ओबीसी या जनरल में है तो इनको गवर्नमेंट कॉलेज तक की नहीं मिल पाएगा, है ना, क्योंकि फॉर्म यार बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और प्राइमरी में सभी जॉब पाना चाहते हैं क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा आती है प्राइमरी की, है ना। तो इस वजह से जो यहाँ पे है फंडा वो यही है कि आपको अच्छी खासी अगर मेरिट है तभी यहाँ पे चांसेस मिलता है। काउंसलिंग यार करवाओ ना, काउंसलिंग करवाओ, हो सकता है भाई सीट लोग छोड़ दें, खाली हो जाए, है ना। पहले खाली जाती थी लेकिन इस साल आपकी पूरा ही पासा पलटने वाला है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल में गवर्नमेंट की कितनी जाने वाली है कट ऑफ और कितनी नहीं जाने वाली है। देखिए अब कट ऑफ की नोटिस की मैं बात करूँ, ऑफिशियली मैंने एक वीडियो बना रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे नोटिस वगैरह नहीं निकाला, आप उस वीडियो को जाकर चेक करिएगा ना। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे देखिए ये कट ऑफ कितनी जाएगी, बीटीसी की संपूर्ण जानकारी यहाँ पे 70,000 लोग इसको देख चुके हैं ये वाली वीडियो, तो आप लोग जाइए 70 की वीडियो देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कट ऑफ वाली, यहाँ पे पर्टिकुलर मैंने बताया था मेरिट कैसे बनती है, 2022 में 23 में कितना कट ऑफ जाएगा, मैंने प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को भी कंपेयर किया था, इसको भी आप जाइए देखिए 20,000 के आसपास लोग देख चुके हैं ना। तो वीडियोस को आप चैनल पर जाइए एनालाइज करिए, बीटीसी बीएलएड की बीएड की यहाँ पे कई सारी वीडियोस मैंने बना रखा है। दूसरी चीज़, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है तो बीटीसी बीएड में काफ़ी कन्फ्यूजन है लोग, अब क्या करना चाहिए, तो मैंने वहाँ पर भी बता रखा है कौन कौन सी जॉब बीएड में भी है, कौन कौन सी बीटीसी में। जो नए हैं बीएड बीटीसी कैसे करें जिनका सवाल है, उनके लिए भी वही वीडियो है कि बीटीसी वर्सेस बीएड में किस में ज़्यादा नौकरी है, यही वाली वीडियो है, तो वो भी आप जाके देखिए, उसी में मैंने सब कुछ कंक्लूड कर दिया कैसे करें, क्या प्रोसेस, सब कुछ है ना। आई होप आप सबको समझ गए होंगे, और जो नोटिस है मैंने आपको बता ही दिया, डेट भी एक्सटेंड हो गई है 31 तारीख तक, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो भी बनना चाहते हैं फॉर्म भर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अगर पसंद आई हो ना तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा होप मिलता है ना। चलिए ऑल द बेस्ट, फॉर्म भरते रहिए, कोई परेशानी या दिक्कत होती कमेंट करिए, नहीं टेलीग्राम में हमसे बात करिए, ग्रुप में जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ पे कॉलेज की लिस्ट मैंने डाल दिया है।